इन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचे घमासान के बाद जहां पूरा समाजवादी पार्टी दो गुटों में बटा नजर आ रहा है, वहीं अब समाजवादी पार्टी की पूरी कमान अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ले ली है और अब समाजवादी पार्टी में जिला इकाई के नेता अब चैन की सांस लेते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी की इस दंगल को देखने के लिए सभी समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ में डटे हुए हैं, लेकिन हमने जायजा लिया समाजवादी पार्टी के जिला दफ्तर का तो वहां कुछ और ही नजारा दिखा। सपा के युवा नेता और बुजुर्ग नेता मिले जहां जिनसे बातचीत करने से हमें पता चला कि अब अखिलेश के साथ हैं और चुनाव को देखते हुए इस तरह के घमासान को लोगों ने गलत बताया। साथ ही जिले के नेता सपा कार्यालय में बैठकर नेता टीवी पर समाजवादी परिवार में क्या हो रहा है उसकी पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। लाल बिहारी यादव पूर्व शिक्षक सभा अध्यक्ष, उस विषय में यही कहना है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को चाहिए कि माननीय अखिलेश जी को अपना प्रदेश का नेता मान लें और उनको आशीर्वाद दें कि उनके चेहरे को मान करके हम लोग चुनाव लड़ें और भारी बहुमत से अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए। नहीं, जनता के बीच में ऐसा रुझान दिखाई दे रहा है कि हर चरवाहा चरवाहा कह रहा है कि आज के समय में हम लोगों के प्रिय नेता अखिलेश जी ही हैं। मेरा नाम गौरव पांडे है, मैं समाजवादी छात्र सभा का जिला सचिव हूँ। नहीं, पहले भैया तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि घमासान है। अब पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी हैं, चूँकि राष्ट्रीय अधिवेशन में उनको संरक्षक बना दिया गया है और लगातार शीर्ष नेता जैसे किरणमय नंदा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कल कहा कि वो माननीय नेता इसे मिलकर सारी बातों पर बात कर लेंगे और पार्टी में सब सामान्य हो जाएगा। तो घमासान किसी भी तरह का नहीं है। बात यह है कि जो परिवेश है इस समय का, वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का है, न किसी बातों पर। माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार 5 साल विकास के कार्य किए, चाहे वो श्रम विभाग में देख लीजिए, मजदूरों के लिए काम किया गया हो, किसानों के लिए काम किया होगा, जितना विकास है 4 लेन बने हों, तो ये सब विकास कार्य, इन सबको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और जहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, हमने राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से रामगोपाल यादव जी ने सारे कार्यकारिणी के सदस्यों को, जबकि 40% चाहिए, सभी लोगों ने हाथ उठाकर अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया है। इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं और संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में मुलायम सिंह यादव जी हैं, तो पार्टी में किसी भी प्रकार का घमासान नहीं है। देखिए, उस पर कहना यह है कि जो भी बातें हैं वो मुलायम सिंह यादव जी भी जाएंगे, रामगोपाल जी का भी मैंने अभी बयान दिया वो भी जाएंगे, तो ये सब बातें जो हैं, 4:30 बजे का चुनाव आयोग ने समय दिया है, तो रामगोपाल जी भी जाएंगे, मिलेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि मैं एक जिले का नेता हूं, राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारी बातें मुझे मालूम नहीं है, बस मैं ये जानता हूं कि पार्टी के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि पार्टी की सभी बातों को सामान्य कर लिया जाएगा और 2017 में नेताजी के मार्गदर्शन में और अखिलेश यादव जी के विकास परक चेहरे को लेकर फिर हम 2017 के चुनाव में उतरेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बना के उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा। और अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से और नेताजी के मार्गदर्शन से हम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में समाजवादी लहर दौड़ा कर रहेंगे और इस बात के दिन प्रतिदिन प्रमाण आपके सामने आते रहेंगे। नहीं, पूरे कार्यकर्ता तो ये चाहते कि शाम तक माननीय संरक्षक जी मुलायम सिंह यादव जी अखिलेश यादव जी को बुलाकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आशीर्वाद देंगे और अच्छे रूप में, और हमारे मार्गदर्शक मुलायम सिंह यादव जी और सारे कार्यकर्ताओं से अपील करेंगे कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता 2017 के चुनाव में लग जाएं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।